हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी हम लोग कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल लेक्चर भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देता है। इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कम होता है और स्टैंडर्ड थ्योरिटिकल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग ये सोचेंगे, इट इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। मैंने कभी हाइपोथेटिकल मतलब रियल नहीं है, इमेजिन किया गया है। क्या किया गया है? इमेजिन किया गया है। इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफिकली। इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यह हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ग्राफिकली। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। अब मान लो कि कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से हमने दिखलाया। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर इस तरीके से दिखलाया तो इस पर पॉइंट वन टू थ्री ऐसा हम कुछ कंसीडर कर लें। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का वन नंबर पॉइंट पर टेंजेंट लाइन इधर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन इधर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन इधर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। अब इसमें ये सोचना है कि आखिर इस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस ये है कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लस वन कूलम का कोई चार्ज रखते हैं, यूनिट चार्ज रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन की ओर ट्रैवल करना शुरू करेगा। ये इसी लाइन पर मोशन करना शुरू करेगा, यहां पर रखेंगे इधर चलना शुरू करेगा, यहां पर रखेंगे इधर चलना। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी और आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम इट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं, आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि इसके बगल में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। आइसोलेटेड के मतलब ये हुआ इसके बगल में कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है और इसके बगल में कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। तो यहां से जितने लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट करेगा ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से मिलेगा, और निश्चित रूप से ये स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व लाइन नहीं होगा। और जब स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन खुद टेंजेंट लाइन होता है। तो ऐसे केस में जो ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, जो लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है स्ट्रेट लाइन के केस में। अभी जो मैं समझा रहा था ये कर्व लाइन था, कर्व लाइन के केस में टेंजेंट लाइन अलग से बनाना होता है, इसमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं। तो हमने लिखा फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम इट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। लेकिन अगर ये नेगेटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होता तब सी नंबर फोर आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट्स टर्मिनेट्स ऑन इट फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। क्या इसका मतलब, अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो इस पर लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शन टर्मिनेट करेगी। और यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। बट अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या नेगेटिव पॉइंट चार्ज नहीं है, इट मींस कि किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के बगल में कोई नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज के बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो वैसे केसेस में क्या होगा। लेट अस कंसीडर कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज नियर ए वॉल पर रखा गया है, तो जो लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से भी आउट होगा और लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से भी आउट होगा। लेकिन जो लाइन्स ऑफ फोर्स यहां से आउट होगा रिपल्सन इफेक्ट से ये स्ट्रेट नहीं रह पाएगा, ये कर्व हो जाएगा, ये भी कर्व हो जाएगा। और ऐसे केसेज में लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से टर्न लेगा। टर्न लेने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे ये लगे कि एक लाइन्स ऑफ एक चार्ज से निकलने वाला लाइन्स ऑफ फोर्स दूसरे चार्ज से निकलने वाले लाइन्स ऑफ फोर्स को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इसके वजह से क्या होगा, बीच में लाइन्स ऑफ फोर्स अब्सेंट हो जाएगा। लाइन्स ऑफ फोर्स का अब्सेंट होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जहां पर लाइन्स ऑफ फोर्स डेंस हो गया मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया, और जहां पर लाइन्स ऑफ फोर्स रेयर्ड हो गया कम हो गया मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो गया। तो इधर के रीजन में लाइन्स ऑफ फोर्स डेंस हो गया मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया है, और इधर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो। जैसे ये पॉजिटिव के लिए हुआ है उसी तरीके से ये नेगेटिव के लिए भी होगा, बट फर्क इतना ही होगा कि नेगेटिव में सेंस ये होना चाहिए कि लाइन्स ऑफ फोर्स सभी आकर इसी पर टर्मिनेट कर रहा है, लाइन्स ऑफ फोर्स सभी आकर इस पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। इट मीन्स एरो का सेंस ये होना चाहिए, बट आप दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि इन बिटवीन रीजन जो है दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो इससे निकलने वाला लाइन्स ऑफ फोर्स इससे अट्रैक्टेड होगा और ये इस तरीके से। अब यहां पर आप देखें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर टेंशन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ चुका है। तो ये ए बी सी डी चार पार्ट
जो हमने पढ़ा है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहां पर आप देख रहे होंगे डी नंबर पॉइंट, डी से पहले सी और बी जो हमने देखा था वो लाइन स्ट्रेट निकल रहा था, बट दो पॉइंट चार्ज होने की वजह से लाइन कर्व बन गया। और कर्व लाइन के केस में जहां पर भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, जैसे यहां पर, तो यहां पर एक टेंजेंट लाइन लगाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहां पर टेंजेंट लाइन लगाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसी तरीके से आप कहीं पर भी सोच सकते हैं। एक खास बात जो यहां पर आप देख रहे होंगे, ये लाइन्स ऑफ फोर्स यहां से ऐसे निकला, तो यहां से जब आप ऐसे चलते हैं और फिर से उसी पॉइंट पर आना चाहते हैं तो एरो का अपोज हो रहा है। एरो का अपोज होने का मतलब ये ओपन लूप बना रहा है। ओपन लूप और क्लोज लूप का मतलब आप लोग समझते होंगे कि क्लोज लूप में जहां से चलते हैं वहां पर पहुंचने के लिए एरो का अपोज हमें नहीं मिलता है। पॉइंट नंबर ई, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्म्स द ओपन लूप, हेंस इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओपन लूप बनाता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। अब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का बहुत सारा डिस्कशन आप मैकेनिक्स में पढ़े थे, बट यहां पर लाइन्स ऑफ फोर्स के केस में हम लूप ओपन और क्लोज के आधार पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का डिसीजन लेते हैं। यहां पर लूप ओपन होने की वजह से ये आप ऐसे चलते हैं तो ऐसे नहीं है, आप देख लीजिए यहां से ये ऐसे चलते हैं तो एरो यहां पर इस तरीके से है, इसलिए ये ओपन लूप बना रहा है, ओपन लूप बना रहा है। और ओपन लूप बनाने के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है। लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में मैग्नेट में हम पढ़ेंगे, बट यहां पर नोट पॉइंट में हम मेंशन कर देते हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्म द क्लोज लूप, हेंस इट इज नॉन कंजर्वेटिव, हेंस इट इज नॉन कंजर्वेटिव, हेंस इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्म द क्लोज लूप, हेंस इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ फील्ड। अब यहां से इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में जो 10th क्लास में पढ़े होंगे उससे ज्यादा का नॉलेज का जरूरत यहां पर नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल। नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की तरह। चार्ज के केस में यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, तो यहाँ पर स्पेस खाली रहता है, कोई मीडियम हो सकता है, बट इसमें क्या है मैग्नेट का मटेरियल। तो यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट करता है और यहाँ पर टर्मिनेट करता है, ये तो बात सही है। यहाँ से भी ऑरिजिनेट करता है, यहाँ पर टर्मिनेट करता है, ये बात सही है। लेकिन इनसाइड द मटेरियल कंटिन्यूटी होने की वजह से माइनस से प्लस की हो जाता है। देखिए वहां पर कंटिन्यूटी है नहीं, दो पॉइंट चार्ज के बीच मटेरियल कुछ है नहीं, वो फ्री स्पेस है या फिर एयर है, इसलिए वहां पर ये बातें वैलिड नहीं है। बट यहां पर मटेरियल होने की वजह से ये नेगेटिव से आउट होगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। और यहां से अगर ऊपर की ओर देखें तो एरो के सेंस में जैसे जा रहे हैं वैसे पहुंच रहे हैं, ये आपका क्लोज्ड लूप हो गया।
और क्लोज लूप होने के ऊपर क्लोज लूप है, नीचे भी क्लोज लूप है, क्लोज लूप होने के वजह से क्या हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। एफ नंबर पॉइंट, टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट कर ही दिया तब क्या होगा, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर दिया, ये लाइन नंबर वन है, ये लाइन नंबर टू है, ये जहां पर इंटरसेक्ट किया ये पी पॉइंट है, तो ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर इधर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये पी पॉइंट है यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप इस लाइन ऑफ फोर्स वन के हिसाब से इधर देख रहे हैं, लेकिन टू के हिसाब से देखेंगे तो इधर की ओर होगा, लेकिन पॉइंट तो एक ही है, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, हमने अगर इंटरसेक्शन कंसीडर कर लिया कि टू लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेगा तो एट द सेम पॉइंट टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट पॉसिबल। अगर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं होगा एक ही पॉइंट पर तो हम ये कहेंगे ये जो इंटरसेक्शन है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। यहां से स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं फोर इंटरसेक्शन टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट द सेम पॉइंट which is not possible। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा जो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे F नंबर है उसी पर बेस्ड G नंबर है, इसी का अल्टरनेट स्टेटमेंट ये होता है सार टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल, साफ टर्निंग का क्या सेंस है, इसी को आप ऐसे कर सकते हैं कि लाइन्स ऑफ फोर्स इज कंटिन्यूअस कर, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट जस्ट इसी तरीके से लिखा है, लाइन्स ऑफ फोर्स इज कंटिन्यूअस कर, लाइन्स ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस कर होता है। सेंस क्या है, मान लो ये लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे गया और मान लो कि इस तरीके से ऐसे टर्न गया, तो लाइन तो वन नंबर ही है, ही वन नंबर ऐसे आ गया, ऐसे गया और ऐसे चला गया। यहां से देखिए इसी को हम शार्प टर्न बोलते हैं। तो इस शार्प टर्न के केस में क्या होगा कि अगर एक ही पॉइंट हम पी कंसीडर करते हैं तो इस पी पॉइंट पर जब इधर से हम सोचते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और जब इसके हिसाब से सोचते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो यहां पर भी क्या होगा कि एक ही पॉइंट पर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो पॉसिबल नहीं है, तो ये डायग्राम भी पॉसिबल नहीं है। अब किसी किसी बुक में इसी को लिखा है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व का मतलब क्या हुआ कि टर्निंग इसका जो है वह शार्प नहीं होना चाहिए। शार्प टर्निंग का मतलब है डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसका डायरेक्शन का कंटिन्यूटी नहीं लग पाया। नेक्स्ट पॉइंट, यह नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट और टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर।
किसी कंडक्टर के सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स या तो ऑरिजिनेट करेगा तब भी परपेंडिकुलर होगा या तो टर्मिनेट करेगा तब भी परपेंडिकुलर होगा। मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज ये मेटल सीट पर है, चूंकि कंडक्टर लिखा गया है ऑरिजिनेट और टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पर मेटल सीट से जो लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट करेगा ये ऐसे टर्न लेगा, ये ऐसे टर्न करेगा, 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 ये ऐसे टर्न करेगा। नाइन्टी डिग्री एंड सो ऑन। अब ये 90 डिग्री का जो लाइन हमने बनाया है ये हर जगह 90 डिग्री ही होगा, लेकिन यहाँ के बाद जो कर्व है उसके बारे में कुछ निश्चित नहीं, वो कर्व जैसे बनना है बन सकता है, उसके लिए फ्रीडम है इसका। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज होने के लिए यहाँ पर टर्मिनेशन होना होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज रहता था तो फिर यहाँ रिपल्सन हो जाता, इस तरीके से नहीं होता, बट फिर भी यहाँ से ऑरिजिनेट करेगा तो 90 डिग्री करेगा। एच नंबर पॉइंट, एच नंबर के बाद आई नंबर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स do not exist inside the conductor. Electric lines of course do not exist inside the conductor. Conductor के अंदर ये exist नहीं करता, क्यों नहीं करता? किसी conductor के अंदर electric lines of course इसलिए नहीं exist करता है, आप देखिए पहले इसको समझिए। मैंने एक सवाल पूछा था क्यों नहीं, क्यों नहीं करता है का एक्सप्लेनेशन के लिए आपको गॉस लॉ तक इंतजार करना होगा। और भी बहुत तरह का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में हम नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन अराइज किया क्यों, आगे इसका डिस्कशन जरूर आएगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन साइड द कंडक्टर, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा रखे हैं ताकि बाद में फिर यहाँ पर हम पहुंचे। मान लो कि ये मेटल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये शायद नेगेटिव चार्ज का लेयर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा तो पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करेगा, नेगेटिव की ओर टर्मिनेट करेगा, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करेगा, नेगेटिव की ओर टर्मिनेट करेगा, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करेगा, नेगेटिव की ओर टर्मिनेट करेगा, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करेगा, नेगेटिव की ओर टर्मिनेट करेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आपने ये जरूर दिखा दिया कि पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करेगा, नेगेटिव को टर्मिनेट करेगा और बीच में मेटल है वहाँ इंटर नहीं करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग को एक अजीब सवाल लग रहा होगा कि जो इंटर किया ही नहीं आउट कैसे हो गया, ये इंटर किया ही नहीं तो आउट कैसे हो गया। उसको समझने के लिए समझिए कि पॉजिटिव चार्ज के वजह से यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, जिसके वजह से ये प्लस से आउट हुआ माइनस में टर्मिनेट कर गया, इसके दूसरे साइड में माइनस के वजह से प्लस चार्ज इंड्यूस होगा, और प्लस चार्ज जब इंड्यूस होगा तो पॉजिटिव से आउट होगा और नेगेटिव पर टर्मिनेट करेगा। अब यहां से आप देखो कि पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में गया, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में गया, तो ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो कर दिया और यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स एब्सेंट हो गया, कोई लाइन ऑफ फोर्स है ही नहीं। जे नंबर पॉइंट पे हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर डेंसर होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। अब इसी में एक इस तरीके का हम डायग्राम डिस्क्राइब करते हैं जो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में काफी फेमस है।
यहां पर आप देखें कि थ्री लाइंस ऑफ फोर्स यहां भी है, थ्री लाइंस ऑफ फोर्स यहां भी है, थ्री लाइंस ऑफ फोर्स यहां, लेकिन यहां थ्री लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा एरिया में, मतलब कि डेंसर कम है, रेयर ज्यादा, सबसे ज्यादा डेंस यहां पर है। अगर इस पॉइंट को 1 ले लें, इस पॉइंट को 2 ले लें, इस पॉइंट को 3 ले लें, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? 3 नंबर पॉइंट पर। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? 2 नंबर पॉइंट पर। और 1 नंबर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन होगा। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं यहां पर कि E 2 इज लेस दैन E1 इज लेस दैन। और इसका डिसीजन हमने किस आधार पर दिया कि लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर डेंसर है वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पर रेड है वहां पर स्ट्रेंथ कम है। अब लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के केस में के नंबर, मान लो कि ये लाइंस ऑफ फोर्स हमने इस तरीके से डिस्क्राइब किया, सारे लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट भी है, इक्विस्पेस्ड भी है। इक्विस्पेस्ड का मतलब क्या है? हर जगह डेंसर एक जैसा है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब है डायरेक्शन कहीं पर चेंज नहीं कर रहा है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा? सेम होगा। इक्विस्पेस्ड लाइन, ये इक्विस्पेस्ड लाइन हमने बनाया तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होने की वजह से इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से प्लॉट किया जाए कि इक्विस्पेस्ड हो ही नहीं, यहां पर आप देखिए इक्विस्पेस्ड भी नहीं और डायरेक्शन पर देख क्या क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखलाने का ये तरीका हो। मान लो कि लाइंस ऑफ फोर्स इक्विस्पेस्ड है बट इस तरीके से कर्व बना हुआ है, तो इक्विस्पेस्ड है और कर्व बना हुआ है, इसका डायरेक्शन प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। प्रत्येक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो डेंसर हर जगह एक ही जैसा है, तो इस डायग्राम में भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दोनों कंडीशन है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग, दोनों चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग। इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, ओनली डायरेक्शन इज चेंज, ओनली डायरेक्शन इज चेंज। जब हम शुरू में ये समझा रहे थे कि दो पॉइंट चार्जेज अगर अगल बगल में है, मान लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, लाइंस ऑफ फोर्स मान लो यहाँ से भी ऑरिजिनेट कर रहा है, यहाँ से भी ऑरिजिनेट कर रहा है, यहाँ पर डिफरेंट चार्जेज होने के बाद क्या होगा कि किस पर लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा है, किस पर लाइंस ऑफ फोर्स कम है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को अगर n से रिप्रेजेंट करें तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। अगर रेशियो निकालेंगे तो n1 / n2 = q1 /
क्यू टू हो जाएगा। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आता है, दिस कांस्टेंट इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू होगा। ये जो हमने लिखा है इसका डिस्कशन हम फिर से बाद में करेंगे, जब गॉस लॉ का स्टडी करेंगे तो वहां पर फिर से इस डिस्कशन पर आएंगे। बट फिलहाल हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट का क्या मीनिंग है फ्लक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम आगे डिस्कस।